उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने राजधानी स्थित भागीदारी भवन में आईएएस व पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 के निःशुल्क कोचिंग सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल और समाज कल्याण आयुक्त चंद्रप्रकाश भी मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार आईएएस व पीसीएस की तैयारी करने वाले हजारों बच्चों ने छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में भाग लिया था, जिसमें इस बार 250 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसका उद्घाटन गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में समाज कल्याण मंत्री द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आईएएस पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सत्र का शुभारंभ किया गया है, जिसमें इस बार पूरे प्रदेश से 250 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग से 125, अनुसूचित जाति से 113 तथा अनुसूचित जनजाति से 12 ने प्रवेश लिया है। ज्ञात हो कि छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1997 में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई थी, जिसमें 50% सीट अन्य पिछड़ा वर्ग, 45% अनुसूचित जाति तथा 5% सीट अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित आईएएस व पीसीएस कोचिंग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निशुल्क चलाई जाती है, जिसमें रहने खाने से लेकर सभी चीज़ें निशुल्क हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर हर चीज़ की साफ सफाई है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से काफ़ी संख्या में बच्चे सेलेक्ट होकर आईएएस व पीसीएस भी बनते हैं। जो समाज में पिछड़े वंचित व्यवस्था से तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने तय किया है। जो गांव में रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, इनकी सुविधा नहीं है, इनके पास व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है, हमारी सरकार ने उनको कोचिंग सेंटर चला करके आईएएस पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए, उस कोचिंग के लिए पूरा करने के लिए हम फ्री करते हैं व्यवस्था, उनके खाने के लिए, रहने के लिए, किताब कापी हॉस्टल वो सारी फ्री करते हैं। 5 महीने का कोर्स करके अब इनको फिर आईएएस पीसीएस बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। वहीं इस मौके पर समाज कल्याण आयुक्त चंद्रप्रकाश ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें 250 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं पिछली बार 167 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहाँ अच्छे टीचर आते हैं जिनका मानदेय 1000 है, सरकार उनका भुगतान करती है। यहाँ पर छात्रों के लिए सारी सुविधाएं निशुल्क रखी गई हैं। बच्चों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर गेस्ट स्पीकर टीचर्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज बुलाते हैं, डिग्री कॉलेज बुलाते हैं और उनको 1000 रुपये मानदेय दिया जाता है। तो कोशिश रहती है कि जो एक अच्छे टीचर्स यहाँ पे हैं और एक तरह से कोचिंग दे बच्चों को, और उनकी जो क्वेरीज होती है, सिर्फ कोचिंग वन साइड नहीं रहती है, बच्चे जो पूछना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप कर देते हैं ताकि जो क्वेरीज हैं बच्चों की उसका जवाब मिल सके। सर, किस तरीके से यहाँ पे हर साल की तरह इस बार 250 बच्चे आए हैं, तो किस तरीके से तैयारी की जाती है और अब तक कितने बच्चे जो पिछले साल से सिलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से? पिछले साल इस समय तो मेरे पास फिगर्स नहीं है, कितने 173 जैसा बता रहे हैं कि सिलेक्ट हुए हैं। कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा सब्जेक्ट लेता है, जनरल स्टडीज़ मेन फोकस जनरल स्टडीज़ पर रहता है, उनको बेसिकली तैयारी करा दी है जनरल स्टडीज़ की, और उनका जो सब्जेक्ट है उस पर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दीजिए। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, इसलिए अगर बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी किताबों के लिए तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पे, कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो ये फैसिलिटीज़ हैं। न्यूज़ टाइम्स के लिए सुयोग्य राज द्विवेदी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ।